हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल स्टूडेंट टेक्निक में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रैपिड एपीआई के बारे में कि रैपिड एपीआई क्या है, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, हालांकि मैंने इसका यूज करके एक वीडियो बना दिया था। मैंने एंगुलर में यूज किया था, जहाँ पे मैं कोड दिखाता हूँ। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहे तो मैं इधर इसका लिंक दे दूंगा, इस यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में भी उसका प्लेलिस्ट है। एंगुलर का जो प्लेलिस्ट है वहां से भी जाके आप देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले रैपिड एपीआई के बारे में। तो एक्चुअली रैपिड एपीआई क्या है? तो रैपिड एपीआई एक कलेक्शन है जहाँ पे बहुत सारे आपको एपीआईज मिल जाएंगे। ठीक है, मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपको करना है कि रैपिड एपीआई सर्च करना है, रैपिड एपीआई, और एंटर करेंगे तो जो सबसे पहला जो लिंक आएगा, जैसे rapidapi.com, ये जो सबसे पहला लिंक है इस पे क्लिक करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा आपको। यहाँ पे ऐसा लॉगिन करेगा या साइन अप करेगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको साइन अप करना पड़ेगा। अगर आप ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं तो आप लॉगिन भी कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी साइन अप कर लिया है तो मैं सीधे लॉगिन करूंगा। ये देखिए, जैसे यहाँ पे ये इसके बारे में बताता है कि ये क्या क्या है रैबिट एपीआई के बारे में। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं किस किस तरह के एपीआई टाइप्स हैं। रेस्ट है, ग्राफिक है, काफ्का है, सोप है, रैबिट क्यूएल है, कैपेबिलिटीज कौन कौन सी है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे मैंने लॉगिन कर लिया है तो आप मुझे क्या करना है, बस केवल लॉगिन करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आप साइन अप करेंगे। ठीक है, तो मैंने लॉगिन कर लिया, ये मैंने लॉगिन कर रखा है पहले से ही। तो ये हमारा डैशबोर्ड आता है रैपिड एपीआई का। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे अगर आप देखेंगे दो तरह के एपीआई दिखते हैं, पब्लिक एपीआई, प्राइवेट एपीआई। पब्लिक एपीआई जो होते हैं वो आपके यूज के लिए होते हैं, प्राइवेट एपीआई जो आपके होते हैं। जैसे अगर आप प्राइवेट एपीआई पे जाएंगे तो नो प्राइवेट एपीआई क्या दिखा रहा है, प्राइवेट एपीआई यू आर इन्वाइटेड टू और क्रिएट विल शो अपीयर। या तो आप अपना बनाएंगे वो यहाँ पे दिखेगा, या फिर किसी आपके फ्रेंड ने बनाया और वो आपको इनविटेशन लिंक दे रखा है, एक्सेस दे रखा है, तो वो आपको यहाँ पे दिखेगा। पब्लिक एपीआई जो होते हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि किस किस तरह के एपीआई हैं। जैसे फ्लाइट डेटा है, फ्री एसएमएस है, टॉप ट्रांसलेशन एपीआई है, सिटी डेटा है, बेस्ट स्टॉक मार्केट का है, प्रॉक्सी वाला है, इमेज सर्च का है, फुटबॉल से रिलेटेड है, ग्रामर से रिलेटेड है, मतलब बहुत तरह की है। यहाँ देख सकते हैं इतनी सारी है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे कुछ रिकमेंड करता है ये कि आप इनको यूज करो, है ना। पॉपुलर एपीआईज का भी यहाँ पे सेगमेंट दे रखा है कि कौन कौन से एपीआईज पॉपुलर हैं, राइट। तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे है जैसे फ्री पब्लिक एपीआई फॉर डेवलपर्स, ये फ्री होते हैं। इसमें तीन तरह के होते हैं, एक फ्री होते हैं, एक फ्रीमियम, जैसे यहाँ पे दिख रहा है प्रीमियम, है ना। प्रीमियम का मतलब होता है कि इसमें कुछ मान के चलिए जैसे 50 या 100 हिट तक फ्री देगा, उसके बाद आपको चार्ज लगेंगे। ठीक है, एक होता है फ्री, उसको आप कितने बार भी यूज करिए, उस एपीआई को कितने बार हिट करिए, वो आपसे चार्ज नहीं लेंगे। प्रीमियम में होता है वो कुछ लिमिट होता है, वहां तक फ्री देते हैं, उसके बाद आपको चार्ज देने पड़ेंगे। और एक होता है प्रीमियम, प्रीमियम में फ्री कुछ नहीं होता, आपको पहले पेड करेंगे तभी उसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये तीन तरह की यहाँ पे मिलती है, एक प्रीमियम मिलता है, एक फ्री मिलता है, और एक प्रीमियम मिलता है। तीनों मैंने बता दिया क्या होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कैटेगरीज भी है, जैसे डेटा, स्पोर्ट्स, फाइनेंस, ट्रेवल, इंटरटेनमेंट, लोकेशन, साइंस, फूड, ये म्यूजिक, इतनी सारी यहाँ पे। इसके अलावा भी है, अगर व्यू ऑल कैटेगरीज पे करेंगे तो ये और सारी भी कैटेगरी जो है सब दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप जिससे रिलेटेड आप एपीआई ढूंढ रहे हैं वो आप ढूंढ सकते हैं यहाँ से। दूसरा एक ऑप्शन और भी होता है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, सर्च फॉर एपीआई, यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हैं। जैसे अगर सपोज करिए कि मुझे कोड से रिलेटेड देखना है, कोड ये है ना, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए तो ये आपको पूरा कोड दिखाएगा, कोड से रिलेटेड जो भी एपीआई होगा वो दिखाएगा। जैसे यहाँ पे एक कोई दिखा रहा है कोड एपीआई डॉक्यूमेंटेशन। और यहाँ पे एक चीज़ और भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पॉपुलैरिटी है, ये 10 के स्केल पे बता रहा है, 9.7 है।
इसकी लेटेंसी है 843 मिलीसेकंड। लेटेंसी का मतलब होता है कि जितना देर में रिस्पॉन्स आएगा आपको। और सर्विस लेवल ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सर्विस लेवल 100% है, डेट मीन्स ये एपीआई कभी फेल नहीं होती है। कहीं कहीं पे ये 90% भी होता है, कहीं पे 92-95 डिफर करता है। तो अगर आप कुछ भी एपीआई यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो ट्राई करिए कि सर्विस लेवल अराउंड 100 हो, जैसे 98-99-100 वो बेस्ट है, 90-95 नहीं चलेगा। मतलब कभी आएगा कभी नहीं आएगा, वो इशू करेगा। तो ये सर्विस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके, कि ये सर्विस लेवल 100% होना चाहिए, राइट? ओके, तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है। ये फ्री है, ये देखिए ये फ्री है। तो यहाँ पे आप सीधे इसको टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट एंड पॉइंट ऑप्शन आ गया, ये बता रहा है कि गेट मेथड है, राइट? यहाँ पे कोड स्निपेट भी दिया, अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप इस कोड को अपने प्रोजेक्ट में चिपका सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कॉपी कोड का, इसका एग्जाम्पल रिस्पॉन्स भी दिया हुआ है कि स्टेटस 200 आएगा, बॉडी में ऐसे दिखेगा, स्कीमा में ऐसे होगा और हेडर्स में ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है? तो उसके अलावा भी है, जैसे कि अगर आप टेस्ट एंड पॉइंट करते हैं तो ये देखिए ये थोड़ा टाइम लेगा, जैसे यहाँ पे लिखा था ना 843 मिली सेकेंड, तो इतना टाइम लेगा। आ गया ना 200, ओके। और यहाँ पे आपका कोड भी आ गया, उसका URL दे दिया और भी सारी जो चीज़ें हैं। तो अगर आपको यूज करना है तो करिए, अदरवाइज ये कंटेंट से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो एक तरीका हो गया रैपिड API पे ही टेस्ट करने का, ठीक है? ये फ्री वाला था जो मैंने अभी करके दिखाया। अब सपोज करिए कि जैसे आप चाहते हैं कि नहीं यार, यहाँ पे तो मुझे नहीं देखना है, मैं देखना चाहूँगा या तो पोस्टमैन पे देखना चाहूँगा, या फिर एक टैलेंट API होता है वहाँ पे देखना चाहूँगा, ठीक है? या कोई और जो भी आप यूज कर रहे हो, तो उसको यूज करने के लिए क्या करना होता है? तो देखिए यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, बस एक URL यहाँ से कॉपी करना है यहाँ तक, ठीक है? इस URL को कॉपी कर लीजिए Ctrl+C, एंड देन आप टैलेंट API पे जाइए। जैसे मैंने एक बना रखा था, इसी को मैं कॉपी करके एक नया बना लेता हूँ, ठीक है? तो ये हमारा कोट का है, तो इसको कोट कर देते हैं, कॉपी, ठीक है? तो ये कॉपी हो गया हमारा, हमने जो वहाँ से कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, एंड देन हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये होस्ट वाला जो भी हेडर्स है, ये देखिए हेडर्स लिखा है, तो इसको हेडर में डालेंगे हम। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, देन इसको भी कॉपी कर लेते हैं, की जो भी है, हाँ इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। कहाँ गया, यहाँ पे, ओके। एंड देन इसकी वैल्यू जो भी है इसको भी चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंगली, तो वैल्यू भी चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे, एंड सेकंड वाला भी चेंज कर लेते हैं, इसको मैंने किया कॉपी। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं, सेव कर देते हैं, एंड देन हम सेंड करते हैं, ये देखिए आ गया सक्सेस यहाँ पे भी हमें अपने टैलेंट API पे, राइट? सो यहाँ पे आ गया हाउ कैन यू से यंग गर्ल्स डोंट गेट इट काइंड ऑफ जो भी कोट है। नेक्स्ट दोबारा सेंड करिएगा तो दोबारा कोट मिलेगा, ये देखिए मर्लिन मुनरो वॉन्ट वॉज नॉट इवन जो भी है, ये रहा ऑल मैन कैन सी दिस टेक्स वेयर भाई, ओके। तो मतलब एक आपको आइडिया लग गया कि कैसे यूज करना है, ठीक है? आपको कुछ नहीं करना होता, बस यहाँ पे जो कोड स्निपेट है वहाँ से उसका URL उठाइए, हेडर्स जो भी है, अगर जैसे आप एंगुलर से इसका यूज करना चाहते हैं तो एंगुलर में इसको इस हेडर को पास कर दीजिए इस URL के साथ गेट कॉल में, देन आपको रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो जाता है। मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं, कि यहाँ इसका यूज करके कैसे एंगुलर से हम लोग रैपिड API के यूज करके एंगुलर से इंटरेक्ट करा सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। एक चीज़ और भी मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे ना, जैसे अभी Node.js दिख रहा है, ये इतने सारे लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, C#, गो, HTTP, जावा स्क्रिप्ट, कोटली, Node.js, इतनी सारी है, इन सारे लैंग्वेजेस में इसके कोड स्निपेट अवेलेबल है। और जैसे आप जावा में भी देखेंगे तो जावा में भी बहुत सारी चीज़ें दिखती है, जैसे OK HTTP, यूनिरेस्ट, एक मिनट, यूनिरेस्ट HTTP और java.net.http। तो जैसे आप OK HTTP करेंगे तो ये उसका कोड स्निपेट जावा में का है, अगर आप इसका यूज करना चाहें तो वहाँ यूज कर सकते हैं,
तो ये था आज के वीडियो में। तो आज उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, कमेंट करना कि आपको कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।